सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमीरपुर के भोटा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल व भोरस की विधायक कमलेश कुमारी भी उपस्थित रही। सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए शुरू की गई सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत अब तक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हजारों लोगों के मुफ्त टेस्ट व इलाज किए जा चुके हैं तथा इसमें महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर तक का इलाज भी किया जाता है। सबसे पहले इस सेवा को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में शुरू किया गया था, जिसे अब लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न दिनों में क्रियान्वित किया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि हमीरपुर के सांसद द्वारा चलाई गई इस मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सक मुफ्त में इलाज करते हैं तथा मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की जाती हैं, जिससे इस संसदीय क्षेत्र के लगभग 51,000 लोग लाभ ले चुके हैं। राज्यपाल ने अनुराग ठाकुर द्वारा सांसद खेल महाकुंभ के जरिए युवाओं को नशे से दूर करने तथा मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने के कार्य की प्रशंसा भी की तथा कहा कि इससे युवा मुख्य धारा से जुड़ेंगे तथा राष्ट्र निर्माण का अच्छा कार्य होगा। हमीरपुर में प्रयास संगठन के सौजन्य से हमारे इस क्षेत्र के सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी ने एक बहुत सफल प्रयास किया। 8 वाहनों के द्वारा, जिनमें डॉक्टर, दवाइयां और लेबोरेटरी साथ चलती है, और गांव-गांव में जाकर के जो लोग रुग्ण हैं उनका इलाज यहां इनके द्वारा होता है, तो लगभग 51,000 लोग अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। इस सफल प्रयास के लिए मैं अनुराग जी को बधाई देता हूं, और उसी के साथ उन्होंने खेल जगत में एक अच्छा प्रयास करके लगभग 25,000 युवाओं को अपने साथ जोड़ा और नशा मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल की। एक बहुत सफल प्रयास है। उसी के साथ प्रतिभावान छात्र छात्राओं को देश भ्रमण का एक बहुत अच्छा सफल प्रयास चल रहा है, उससे बच्चों का ज्ञान वर्धन होगा और बच्चे और विकास करके राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो इस प्रकार के अच्छे कार्य हमारे समाज में बराबर होते रहने चाहिए, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।